नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड। एडमिशनों का दौर चल रहा है और इन दिनों पेरेंट्स काफ़ी परेशान लग रहे हैं और कई पेरेंट्स ये ब्लेम लगा रहे हैं कि स्कूलों का और बुक सेलर्स का आपस में नेक्सस है और वो नर्सरी क्या, फर्स्ट क्या, थर्ड क्या, सिक्स क्या, इन तमाम क्लासों की अगर हम बुक्स की बात करें तो उसका जो प्राइस है उसको देख करके लोग परेशान हो गए हुए हैं। जो मध्यम वर्ग है या फिर उससे का नीचे का वर्ग है वो बहुत ज़्यादा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से एडमिशन्स के समय बुक्स जो हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं या 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन किताबें 10-10 किताबें जो हैं वो स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को लेने के लिए बोलते हैं, तो उसको लेकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। और उसको लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जम्मू के ये रानी पार्क में चीफ सेक्रेटरी का जो इन्होंने एक फ़ोटो रखा है, चीफ सेक्रेटरी और LG मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कि चाहे बुक्स हो चाहे यूनिफॉर्म्स हो, इसको लेकर जो नेक्सस बना हुआ है या फिर जिस तरह से कमाई का साधन स्कूलों ने बनाया हुआ है या फिर बुक सेलर्स का, यूनिफॉर्म सेलर्स का है, वो नेक्सस को जो है वो ब्रेक करें, ताकि आम जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो उनको जो है जो राहत मिले और वो खुद को ठगा हुआ महसूस ना कर पाए। ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, सुन लेते हैं क्या बोलते हैं। इसने कहा ये 26 किताबें लगेंगी। मिस्टर मोदी जी कहते हैं बस्ता कम भारी होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहता है, LG साहब कहते हैं, एजुकेशन की डिपार्टमेंट के अंदर जो ये जो प्राइवेट स्कूलों की धांधली है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। बड़े बड़े वादे। कल मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, उसने कहा गुप्ता जी अवश्य कार्रवाई होगी। 5,057 रुपये ये बिल दे रहा हूँ आपको, ये बिल कितना है, 8,521 रुपये ये स्कूलों के बिल हैं, 11,897 रुपये। 11,897 रुपये में क्या आता है मेरे भाई, कौन सी किताबें हैं, फिर उन किताबों के अंदर क्या है, ये भी बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये देखिए किताब 130 में, ये मेरे बाहर एक रेडी लगी हुई है, ये 130 में दो दे रहा है, स्कूल वाला एक दे रहा है। उसके बाद में ये देखिए, ये किताब की कीमत है 150 रुपये, मार्केट के अंदर मिल रही है 70 रुपये की, लेकिन इतना गुंडागर्दी NCERT के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तथ्यों को लेकर के बाहर आया हूँ। ये एक सेट देखिए, इस सेट की कीमत जो है ये लगभग 250 रुपया है, स्कूल वाले बेच रहे हैं 700 रुपये का, और कोई पूछने का प्रयास नहीं करना चाहता। एजुकेशन डिपार्टमेंट आंखें बंद करके सो गया, क्योंकि उसकी मिली भगत है। क्या मैं ये कहने का प्रयास करूं, LG साहब आपने इंक्रोचमेंट ड्राइव के विषय के अंदर लंबी छलांग मारने का प्रयास करा, आपने भ्रष्टाचारियों को मिटाने का प्रयास करा, लेकिन स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म के अंदर भ्रष्टाचार, किताबों, अरे कौन सी किताबें लगेंगी तय कौन करेगा, स्कूल तय करेंगे, 26 किताबें लगेंगी, स्कूल बताएंगे हमको कौन कौन सी किताब पढ़नी है। आज स्कूल फैसला कर रहे हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दो, NCERT जो है वो बंद कर दे अपनी दुकान, वो अगर तय नहीं करेंगे 5वीं के अंदर कितनी किताबें लगने वाली हैं, 5वीं के अंदर कौन कौन सी, 5 सब्जेक्ट होते हैं भाई साहब, 5 सब्जेक्ट की 26 किताबें, इसका मतलब सीधी गुंडागर्दी। और गुंडागर्दी को लेकर के यहाँ की मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई करो, नहीं तो सीधा धरना लगाऊंगा डायरेक्टर कार्यालय के बाहर, और ये जो डिपार्टमेंट इसको देखता है एजुकेशन, उसके विरोध के अंदर प्रदर्शन करूंगा। मतलब एक स्थान पर गुंडागर्दी, अरे भैया बाजार के अंदर 600 रुपये का कोट मिल रहा है और आप 2,000 का बेच रहे हैं, और कोई पूछने का प्रयास नहीं करना चाहता, किताबें कौन कौन सी लगेंगी तय कौन करेगा, ये दुकानदार तय करेंगे, दुकानदार बताएंगे ये किताब लगनी है ये नहीं लगनी, यह एजुकेशन डिपार्टमेंट बताएगा। ये नेक्सस है एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूलों का। मैं डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और LG साहब का पोस्टर लेकर के बैठा हुआ, ये देखो आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं भाई साहब,
आपकी मैं भी सौगंध नहीं खा सकता, लेकिन कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। एलजी साहब, आपने सबका पट्टा बैठा दिया, भ्रष्टाचारियों को मुक्त कर दिया, अब देखना है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या कार्रवाई करने का प्रयास करना चाहते हैं। किसी का कोई सवाल है तो करो भाई। बड़े बड़े स्कूलों के नेक्सस भी हैं यहाँ पर, वो अपनी एक मोनोपोली और एक लॉबी बना के चलते हैं, उसी को देखते हुए निजी स्कूल छोटे स्कूल भी चलते हैं, तो जब तक बड़े स्कूलों पे कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे अरे क्या बड़े तो क्या छोटे भाई, मैं बड़े छोटों के अंदर डिफरेंस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 26 किताबें लगाने का प्रयास कौन सा स्कूल कर रहा है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या इस बात की अनुमति दी है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है ये 26 किताबें कौन बताएगा, स्कूल बताएगा, कहां से घूसखोरी खानी है वो बताएगा। 11,897 का बिल, 11,897 रुपए भाई साहब, 12,054 रुपए का ये बिल लाया हूं मैं, ये 12,054 रुपए का बिल लाया हूं। क्या है 12,054 में क्या आता है सर? क्या लगता है कि हर साल ये नेक्सस देखा जाता है, फी फिक्सेशन जो कमेटी है उसकी तरफ से ये बोला जाता है कि इतने एनुअल चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे, मंथ की फीस इतनी लिए जाएगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला नहीं जाता। मैं फिर कहता हूँ जी, सारी व्यवस्था एलजी साहब चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट पब्लिक डोमेन में डालने का प्रयास करें, कौन सी किताबें लगेंगी वो बताओ, वो भी पब्लिक डोमेन में जाओ। क्यों 2-4-5 हज़ार दुकानदार इसको बेचेंगे, क्यों सारे दुकानदार क्यों नहीं बेचते, क्यों मोनोपोली 2-3-4 लोगों की है, सारे बेचने का प्रयास करें। क्या लगता है सर कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो भी इसमें उनकी मिलीभगत है? मैं कहूंगा जी, बिना मिलीभगत के कुछ नहीं चलता जी। 26 किताबें 6वीं क्लास की, और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं बस्ता बोझा कम करो, और ये आवाज श्रीमान एलजी साहब भी कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी कह रहे हैं, और नीचे लोगों को सुनाई नहीं दे रही, नहीं सुनाई दे रही उनको, रास्ता दिखाओ। और शिवसेना डोगरा फ्रंट वो ये अपील करती हुई कि उपराज्यपाल हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो जो है वो नीचे जमीनी धरातल पर आकर चेक करें और निर्देश जारी करें स्कूल एजुकेशन को कि बच्चों को जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही बुक्स लेने को या फिर नोटबुक्स लेने को कहा जाए, जो दोगुनी बुक्स या फिर दोगुनी नोटबुक्स उनको लेके जानी पड़ती है, और जो बैग है एक बच्चे का, आज की डेट में 6वीं क्लास का बच्चा अपना बैग नहीं उठा पाता है, और कहीं ना कहीं वो सारा बोझ जो है पेरेंट्स को उठाना पड़ता है, और उस खरीद का बोझ भी पेरेंट्स को उठाना पड़ता है। जितना बड़ा नेक्सस सामने निकल के आ रहा है, इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करने की मांग है उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से।